देखा कितने सारे सरप्राइजेस हैं सास बहू और बेटिया में, एक ये फूलों की सेज, ऊपर से कितनी एंटरटेनिंग एंटरटेनिंग कहानियां। लेकिन ये जो सरप्राइज है ना, आप तो यकीन ही नहीं करेंगे कि हीना खान खास हमसे मिलने आ गई है। यस, यकीन नहीं हो रहा तो देखिए। मिलिए हिना खान के नए साथिया से जो उसके लिए गाने गाता है। सोनियो ओ सोनियो, जो उसके साथ डांस करता है। उसके आंसू पोंछता है और बन जाता है उसका हमसफर। अब तक हिना खान को आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा के रूप में देखा, बिग बॉस 11 के घर में लड़ते झगड़ते देखा और कसौटी जिंदगी की में अनुराग और प्रेरणा की जिंदगी में कोमलिका बनकर जहर खोलते हुए देखा। लेकिन साल 2020 में हिना खान अपने करियर का नया अध्याय शुरू कर रही है अध्ययन सुमन के साथ एक नई वेब सीरीज डैमेज में। वेलकम टू गावरान एंड वेलकम टू आवर लिटिल नेस्ट। दिस इज माय डॉटर किट्टू। अंकल और आंटी को हाय बोलो। गौरी बत्रा, मैं और आकाश मिलकर ही होमस्टे चला रहे हैं। यहाँ 7:30 के बाद कोई इंसान घूमता नहीं है, यहाँ रात को कुछ और ही घूमता है। दंड प्रेत। One second, guys. Do you know what I'm going through, आकाश? And what is this kiddo obsession? I don't understand to guys. तू के बारे में नहीं है यार। और इस वेब सीरीज की कहानी सुनाने वो पहुंची हमारे दफ्तर में, हमारे दफ्तर के नजारे देखे, अध्ययन के साथ डांस किया और हमारे साथ 11 सालों की यादों को भी ताजा किया। यानी हिना खान के साथ सास बहू और बेटिया के दफ्तर से एक ऐसा डेआउट जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए हिना खान का स्वागत करते हैं सास बहू और बेटिया के दफ्तर में। वैसे हमारे दफ्तर में जब भी कोई आता है हमारे यहाँ के व्यू को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। और हिना खान और अध्ययन जब हमारे दफ्तर में पहुंचे तो मुंबई का ये नजारा देखकर उन्हें अपने स्ट्रगल के दिन याद आ गए, खासकर हिना खान को जिनकी लोकल ट्रेन के साथ कई यादें जुड़ी हुई हैं। और अध्ययन स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू अमित, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू, यस यस एब्सोल्युटली। जैसे मैंने कहा हमारा ये स्वागत जो करता है ये जो नजारा, तो कैसा लगा आपको हमारा दफ्तर? वेरी नाइस, वेरी। मुझे मतलब याद आ गए मेरे दिन जब मैं इनिशियली बॉम्बे आई थी और मैं रोज लोकल ट्रेन में सफर करती थी। आज वो दिन, आई मीन लोकल ट्रेन इज राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज एंड आई रिमेंबर मैं धक्के से ट्रेन में चढ़ जाती थी और धक्के से ही उतर के वापस आ जाती थी। एंड इफ यू कैन रिकॉल यू वर देयर, आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर दैट टाइम, सो आई रियली आई क्राइड सो मेनी टाइम्स बिकॉज माय हेयर यूज्ड टू गेट स्टक। तो मैं नीचे उतर जाती थी ट्रेन से, ट्रेन चलने लग जाती थी लेकिन मेरे बाल, मतलब बिकॉज आई यूज्ड टू स्टेप डाउन ऑफ द ट्रेन एंड मेरे बाल अटक जाते थे बिकॉज यू नो इट्स सो मच ऑफ हॉट स्पॉट्स व्हेन यू गेट इनटू लोकल्स एंड व्हेन यू हैव टू गेट इनटू इट और गेट डाउन। सो या वो दिन याद आ गए, बट nonetheless the nazara is very nice. आपको पसीने भी आ रहे हैं। क्या करें, मुंबई में ठंडी पड़ती है ना यार, this is what I miss about. कश्मीर को दिल्ली, यार दिल्ली, कश्मीर, कश्मीर तो is like in minus right now. वैसे शौक की बात करें तो हिना खान अपनी हंगामा प्ले पर आने वाली अपनी वेब सीरीज डैमेज में सबको शौक कर रही हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज में वो सब कर रही हैं जो इससे पहले उन्होंने अपनी किसी भी सीरियल में नहीं किया। और सबसे ज्यादा चर्चा में है उनके ये बोल्ड सीन्स। ये हमेशा शौक करती हैं। पहले मैं शॉक रह गया, बिग बॉस में ही ना जा रही है, आई वाज शॉक, व्हाई? देन शॉक कोमलिका बनने जा रही है, तो अब 2020 में अभी अब दूसरा शॉक आपने दे दिया है, तो इस बार क्या करंट आप मारने वाली है? आई थिंक अच्छा है ना, आई मीन नई नई चीज़ें करती रहनी चाहिए जिससे शॉक लगे, गुड और बैड शॉक लगते रहना चाहिए। आई बिलीव टू डू इट ऑन कैमरा एंड इट्स नॉट ईजी, इट्स इक्वली एक एक्टर के लिए जितना एक्टिंग आप इमोशनल सीन करते हैं या फिर कॉमेडी करते हैं उतना ही एफर्ट उसके लिए भी लगता है, बिकॉज इवेंचुअली यू आर एक्टिंग, इट्स नॉट रियलिस्टिक, सो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट।
बट मेरे फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वी गुड गेट टू सी अनदर साइड ऑफ हीना एज एन एक्टर विच आई थिंक नाउ डेज एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी इन देयर फेवरेट्स हु दे सपोर्ट सो मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम माई फैंस एंड दे लव्ड इट They've been talking about it. I can read it. I don't reply, but I do read it sometimes. Where they say ki aajkal to it's very common, this, that. To be realistic, whether it's, I think OTT is all about that. You have to be realistic that how it is. How would you be with your partner when you're in a room? You would fight, you would argue, you would slap, or you would make love. Make love, that's exactly right? The point. It's unfortunate that people make such a big deal out of a love-making scene. And aisa, to be very honest, ऐसा कोई लव मेकिंग सीन हमारा है भी नहीं सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रिल है बहुत सारा इट्स नॉट हॉरर लेट मी टेल यू गाइस इट्स नॉट हॉरर बट इसमें बहुत स्पाइन चिलिंग ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर आप दंग रह जाएंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो होगा एंड प्लस इफ आई टॉक अबाउट माई व्यूअर्स एज एन एक्टर दे हैवंट सीन मी लाइक द वे आई एम इन दिस सीरीज I have smoked and I've done everything possible to stay away from that element which is there in the series. Hanga Bai Pabe ki is web series mein Hina aur Adhan bane hain pati patni aur Hina ka naam hai Gauri Batra jo darasal ek homestay chalati hain. Kaise unke homestay mein ajeeb gareeb ghatnaye hoti hain aur fir khota hai ek bada khulasa. Ye hai is web series ki kahani. वैसे हिना खान और अध्ययन सुवन की केमिस्ट्री काफी अच्छी है भाई अध्ययन बहुत अच्छा गाना गाते हैं हिना के लिए तो उन्होंने गाना भी गा डाला Baby. Come stand by my side, come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give my love in all of my life. Sonia, oh Sonia, tumhe dekhta hoon to sochta hoon main bas yahi. तुम जो मेरा साथ दो सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के ये जिंदगी अब गा दो ना एक दो लाइन तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात तू बस दे दे मेरा साथ He's a very nice person, very down to earth. And what I like about Adhyan is, usko reality check hai. That's what I like about him. That I hadn't been working, yeah, and that I came back, and then I got to work with her, my first series itself. I was like, chalo, theek hai, yaar, I'll do my job, and I was happy that she's my co-star and very, very grounded and very selfless, as I said before, also as an actor. By gaane ke saath, dono ka romantic dance bhi ho jaye. वेब सीरीज की दुनिया टीवी स्टार हो या फिल्म स्टार सबके लिए नए दरवाजे खोल रही हैं और हिना खान का भी मानना है कि नए जमाने के साथ बदलाव बहुत जरूरी है ऐसा है जैसे कि हमारे सीरीज में भी कहा गया है कि जो दिख रहा है वैसा है नहीं जो आकाश बत्रा जैसे हैं आपको जैसे दिख रहे हैं वल्नरेबल बहुत गुड़ी गुड़ी ज़रूरी नहीं है वो ऐसे हैं या हो सकता है ज़रूरी हो कि वो ऐसे ही हैं गौरी कैसी है देखिए हर इंसान का एक ग्रे शेड होता है एज यू सेड कि पहले जो नेगेटिव पॉजिटिव होता था वैसा नहीं होता कोई बहुत अच्छा नहीं होता आई हैव लिव्ड विद इट आई हैव डेल्ट विद इट आई नो हाउ इट इज यस यस एंड देन पीपल स्टार्ट यू नो विजुअलाइजिंग यू लाइक दैट कि ओ माई गॉड शी इज़ वन गॉडेस It doesn't work like that. Real life में हम mistakes भी करते हैं हम अच्छी चीज़ें भी करते हैं So I think with OTT the best part is that this is what we are trying to present to the viewers, to the audience कि सब ग्रे हैं सब बीच में हैं कोई नेगेटिव नहीं है कोई पॉजिटिव नहीं है अपना अपना perspective है देखने का So that's the best part. आपको realistic characters play करने को मिलते हैं which I really loved about it and that is why we chose to do Damage Season 2 which is going to be streamed on 14th January on Hangama Play app. खैर अब हिना खान के साथ चलते हैं हमारे यादों के झरोके में क्योंकि पिछले 11 सालों से हिना खान सास बहू और बेटिया के साथ जुड़ी हुई है और अपनी कुछ पुरानी स्टोरीज देखकर वो हो गई इमोशनल मैं आज तक
So, I mean, शुरू से ही from the day I started my journey तब से आप लोग साथ में हैं. It's such a long, long journey. Touchwood. I mean, God bless you all, yeah. And this is you've been there in my journey. You've been part of it when I started television, and अब मैं 2020 में नया कदम रखने जा रही हूँ in OTT and films. I want your support, honestly, always, and always. The family. yes. तो ये जो family है ये हमेशा ऐसे ही रहनी चाहिए, and आते रहेंगे इंशाल्लाह, interviews देते रहेंगे. अध्ययन भी हमारे office में जब इनकी film release हुई थी हमारे दफ्तर में आए थे नकुल मेहता के साथ, तो याद है वो time जो आप आए थे? बिल्कुल, आप याद तो था नहीं है ना? Office ही नहीं था. नहीं, absolutely. अच्छा, यही office था. It's been 10-11 years, man. It's unbelievable. I feel old. But I'm only 31. I'm only 31, so I started off very, very early in my career. So I'm happy here. Chal this is your time now. This is our time now. Yeah. Wish you guys all the best. Thank you so much. Hamesha ye rishta bana rahega hamara aap log ke saath. Thank you. The Saas Bahu Betiya family always with you. Thank you. वैसे हमारे ऑफिस में उन्होंने ढेर सारे फन मोमेंट्स सबके साथ शेयर किए, ढेर सारी तस्वीरें खिंचाई, बूमरैंग्स बनाए. कि उम्मीद करते हैं जिस तरह आप अपनी रियलिटी शोज और सीरियल्स के साथ हिना खान का रिश्ता सास बहू बेटिया के साथ बना हुआ है वो आगे भी बना रहे. वैसे उनकी नई वेब सीरीज के लिए उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां. अमित त्यागी, मुंबई, आज तक.